केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री निमोंग इयरिंग ने ख्वाजा गरीब नवाज के 801वें सालाना उर्स में गर्मी को देखते हुए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इयरिंग ने शनिवार सुबह अजमेर यात्रा के दौरान सर्किट हाउस में उर्स से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत कर उर्स पुरसुकून संपन्न होने की दुआ भी की। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासन द्वारा ख्वाजा साहब के उर्स में हमेशा जायरीनों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाते हैं और इस बार भी पुख्ता इंतजाम होंगे, फिर भी छाया, पानी और चिकित्सा पर विशेष ध्यान देना होगा। निमोंग ने उर्स में आने वाले जायरीन की संख्या, उन्हें ठहराने के लिए बनाई जाने वाली विश्राम स्थलियों, विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले इंतजामों की विस्तार से जानकारी ली। अतिरिक्त कलेक्टर शहर और उर्स मेला मजिस्ट्रेट जेके पुरोहित ने उर्स के चढ़ाए जाने वाले झंडे से लेकर बड़े पुल की रस्म तक होने वाले आयोजन, जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले इंतजामों की जानकारी दी और बताया कि लगभग 7 लाख जायरीन उर्स के दौरान अजमेर आते हैं। दरगाह कमेटी के कार्यवाहक नाजिम मोहम्मद अफजल ने भी उर्स के इंतजामों की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी मौजूद थे। तो इसमें किस प्रकार से हमारे जो ये 801 जो उर्स है, इसको किस प्रकार से हम इसको शांतिपूर्वक और किस प्रकार से इस इलाके का हम विकास कर सके, किस प्रकार से इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ कर सके, हम उसकी हमने चर्चा की कुछ दिन पहले। उस समय मैंने एक निर्णय लिया था कि नहीं, जब हमारे जो दरगाह है, जो इतना फेमस दरगाह है, वो कहते हैं कि यहाँ जो भी आते अपना मन्नत मांगने वो पूरी होती है, तो हम जो हमारा क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर सारा भारत के लिए मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ शांति हो, लोगों में विकास हो। इससे पूर्व इयरिंग ने तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए और खुशहाली की मनोकामना मांगी, साथ ही सरोवर की पूजा अर्चना भी की।